इलेक्शन कमीशन का 41 आजाद अरकिन के मामले पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इलेक्शन कमीशन ने मौकफ अख्तियार किया, तहरीक इंसाफ कोई जमात नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो अथॉरिटी कौन है, किसके जारी करदा सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएं। बैरिस्टर गौहर, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक पार्टी चेयरमैन नहीं है। बनू बाकी की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा। फ्रंटलाइन में जो भी ऑपरेशन होगा उसमें पुलिस और सिटी डी होगी। जिरगा मेंबरान को वाजे किया गया कि कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। मुशीर वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की अपेक्स कमेटी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कल वजीर आला अली अमीन गंडापुर बनू जाकर फैसलों का ऐलान करेंगे। बनू जिरगा अमन के लिए था, कोई सियासी एजेंडा नहीं था। और जल्द पीटीआई पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। बानी पीटीआई की रिहाई तक अलामती भूख हड़ताल जारी रहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की भूख हड़ताली कैंप पर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा जिसे वजीर आला अली अमीन गंजापुर लीड करेंगे। बानी चेयरमैन ने भूख हड़ताली कैंप को सराहा और शाबाश दी।